श्री हरि पोताना प्रेमी भक्त काका भाई ने अंत समय दर्शन देवा रोज का पधार्या तथा त्यांथी गढ़पुर आवी एक दिवस आचार्यो अने सद्गुरु संतोने पासे बोलावी गढ़पुर जूनागढ़ धोलेरा अमदावाद भूज आदि मंदिरों मा पोतानु हरिकृष्ण स्वरूप पधरावानी तथा धोड़का सूरत खंभात मूड़ी आदि शहरों मा मंदिर निर्माण करवानी आज्ञा करी अने सद्गुरु श्री गोपाळानंद स्वामी ने संप्रदायना बन्ने देशना मध्यस्थ कर्या ते कथा तथा देश प्रदेशना भक्तों ने श्री हरिना मंदवाड़ना समाचार मळता ते भक्तोना संघ श्री हरिना दर्शने आव्या ते सर्व कथाओनु आ त्रीजा विश्राम मा श्रवण करीशुं। विचित्र चरित्र करी हरी कोई कली नहीं मन माई कोई समी मंदवाड़ तन अने कोई समी नहीं काई रोज का मारही काको भाई जीनी भक्ति भली वखणाई वय वृद्धि मांदा थया तेह जान्यू जे हवे नहीं रहे देह पुण्य करवानु चित विचारी एक सारी घोड़ी क्षण गारी मांड्यो सामान ते पर सारो लेवा योग्य प्रवास माधार्यो हरी खड़िया मा वस्तु अनेक ते मारू पानी तासली एक घोड़ी लई मोकल्यो एक दास भेट करवा महाप्रभु पास तेनी साथे लख्यो एक पत्र प्रभु दर्शन दियो आवी अत्र नहीं आवी शकाय जो हाल आव जो तेड़वा अंतकाल घणी जुक्ति थी पत्र लखाव्यो तेमा स्नेह घणो दर्शाव्यो गयो दास ते गढ़पुर धाम पत्र आप्यो करीने प्रणाम घोड़ी भूधर ने भेट धरी कृपानाथे अंगीकार करी पत्र वंचावता जाण्यू एम घणो छे काका भाई नो प्रेम ते माटे रोज के जो जवाय आशा एहनी पूरण थाय वळी गढ़पुर ना जेनी वासी पामे धीरज टाळे उदासी संत पासे बोल्या सुख धाम मारी जावू छे रोज के गाम पछी मेनो कराव्यो तैयार
बिठाती माँ जगत करतार। थोड़ा संत पाड़ा लई साथ, गया रोज के नटवर नाथ। हर क्यों आखूं गढ़पुर गाम, जान्यू साजा थया घन श्याम। काका भाई स्मरे हरि रूप, पहुँचा तहाँ वृषकूल भूप। काका भाई ने दर्शन दीधा, तेना इच्छित कारज सीधा। रह्या बे दिन त्या महाराज, सुख देवा स्वभक्त निकाज। काको भाई कहे अहो श्याम, मने पहुँचाड़ो अक्षर धाम। हाड मांस तनो देह एह, कुंड नरक समो लागे तेह। कहे श्री जी नहीं अकड़ाशो, थोड़ा दिवस मा धाम मा जाशो। काका भाई नी पत्नी ना कल्ला, रूपा नाते पड़ा हता भला। आप्या श्री जी ने अवसर जोई, कह्यू संतने देजो रसोई। पछी त्यांथी चाल्या परमेश, गया गढ़पुर श्री ईश्वरेश। कहे वरणी सुनो राजान, केवा भक्त वत्सल भगवान। काका भाई तनो प्रेम जानी, गया रोज के सारंग पानी। समय न गया वर ताले, गया रोज के तोयते काली। धन्य धन्य ते भक्त ना भाग्य, जेना पर प्रभु नो एवो राग। पछी थोड़ा दिवस गया जारे, काका भाई त ज्यूं तन त्यारे। अंत काले दीठूं एवी रीते, आव्या संत सहित प्रभु प्रीते। साथे दिव्य विमान जे लाव्या, भक्त ते मा बेसी ने सीधाव्या। हता पाड़ोस मा जे हजन, थया ते ओने पण दर्शन। एवी आश्चर्यनी वात जोई, सत संगी थया जन कोई। हवे श्री जी तणी कहूं वात, सुनो भूप अभय सिंह भ्रात। सुख सजा छे मंदिर माया, बैठा एक समी हरि त्याय। देय आ
आचार्य नी त्या बोलाव्या तेओ आज्ञा सुनी तहां आव्या गोपालानंद ने नित्यानंद ब्रह्मानंद आव्या गुण वृंद पूजा शेठ ने पण त्या बोलाव्या आव्या ते हरि ने मन भाव्या बैठा सौ करी प्रेमी प्रणाम त्यारे बोल्या सुंदर वर श्याम सतसंग नाथम भजो तमी एम धार्यू छे अंतरे अमी माटे धीरज सौ तमे धरजो सतसंग नु रक्षण करजो तमे धीरज छोड़शो जारे बीजानी शिस्थिति थशे त्यारे इष्ट देव राजी थाय जीम साचा सेवक तो करे तेम इच्छो मुझनी जो करवा प्रसन्न तमे तो मानो मारू वचन वळी एम बोल्या नरवीर तमे सांभळो हे रघुवीर प्रतिमा गोपीनाथ निजेह जाणो मारु स्वरूप छे तेह तोय प्रगटनु धरवानी ध्यान धातुनु रूप मुझ समान गोपीनाथ पासे पुरवठामी स्थाप जो हरि कृष्ण ने नामी जूनागढ़ तणा मंदिर माय पधराव ज्योति मूर्ति त्याय देव राधा रमण तणी पासे स्थाप जो प्रतिमा ते हुलासे तेम धोले रामापण कोडे देव मदन मोहन तणी जोड़े स्थाप जो मूर्ति वली एवी हरि कृष्ण नामी मुझ जीवी वली सूरत ना हरि जननी सदा संतोष पाम वामननी अमे आपी छे मूर्तियो जेह तमे त्या जई स्थाप जो तेह वळी खंभात ने माटे तेम अमे आपी छे मूर्तियो एम तमे ते पण स्थाप जो त्याय सारा शोभिता मंदिर माय नित्यानंद तमे सुनी ले जो एह काम मा पासे रही जो हवे सांभळो अवध प्रसाद रहे जो तमे अमदावाद
धर्म भक्ति हरि कृष्ण रूप अधराव जो प्रतिमा अनूप वळी पूर्व तणाखंड माय राधा कृष्णी तो स्थाप ज्योत्याय भुज मा हरि कृष्ण स्वरूप पधराव जो परम अनूप वळी धोड के स्थाप वाधारी आपी छे अमी मूर्तियो सारी करावी रूडु मंदिर त्याय मूर्ति स्थाप जो देह माय झालावाड़ मा सत्संग सारो वध्यो छे मुजनी भजनारो तावी मीठाण हळवद माय सतसंगी सारा रही त्याय तेओने सुखे दर्शन सारू कहाँ जोई धाम अमारू भली भोगवती नदी तीर स्वच्छ जोई ने जग्या रुचिर परमारनु मूड़ी छे गाम तहां मोटू कराव जो धाम स्थाप जो राधा कृष्ण स्वरूप धर्म भक्ति हरि कृष्ण रूप सुनो ब्रह्म मुनि कह्यों जेह पासे रही ने कराव ज्योतिह गोपाळानंद थई सुनो स्वस्थ देश बेना तमी छो मध्यस्थ बेय देश ना सत्संग कीरी तमी राख जो खबर घणीरी एवी आज्ञाओ श्रीजीए करी सुनी सर्वजनी शिरधरी प्रभु ने करी प्रेमी प्रणाम गया ते सहु पोतानी ठाम वळी ते पछी श्री जीवी चित्र करवा लाग्या मनुष्य चरित्र धरे स्वात्म स्वरूप नु ध्यान जोता भासे समाधि समान एक बेदिन अन्न न जमी बोल्यो कोई तणु नवगमी वात चाली देशो देश माय धाम मा जवा श्याम चहाय तेथी दर्शन करवानी काज गामो गाम थी आवे समाज आव्यो संघ बुरान परी थी तेम संघ आव्यो सुरते थी वट पतन ना हरि जन आविया करवा दर्शन आव
આવ્યા કચ્છીને આવ્યા હાલારી આવ્યા સોરઠથી નર નારી ઝાલાવાળી આવ્યા ગુજરાતી દરબારમાં ભીડ ભરાતી નીણે નીરખી નાથનું રૂપ ધારે અંતર માહી અનુપ લીલા જે કરી તે સંભારે મહિમા મન માહી વિચારે કહે કોઈ હરી ધામ જાશે ત્યારે આપણે કેમ જીવાશે કહે કોઈ દીધા સુખ જેહ કદીએ નહીં વિસરે તે હ કહે કોઈ તો એમ વિચારો ભાગ્ય આપણા અદ્ભુત ધારો બ્રહ્મા આદિને દુર્લભ જેહ પામ્યા આપણે દર્શન તેહ સુખ શું વ્રજવાસીઓ તણો આપ્યું આપણને એથી ઘણું દયાવંત છે શ્યામ સદાય નહીં આપણને તજી જાય અન્યો અન્ય કરી એમ વાત દિશે સર્વનો સ્નેહ અઘાત જ્યારે શ્રીજીને દર્શને જાય કહે શ્રી હરિ થાઉ વિદાય કરી દર્શન નિજ ઘેર જાવું જા જા દિવસન આહી રોકાવું કેમ આજ્ઞા ઉલ્લંઘન થાય જતા ઘેર ચાલી નહીં પાય છબી અંતર માહી ઉતારી નિજ દેશ ગયા નર નારી સંઘ નિત્ય નવા નવા આવે કરી દર્શન ઘેર સીધાવે કોઈને હરી એમ દેખાડે નથી કાંઈ હવે મંદવાળી એમ નિત્ય નવીન ચરિત્ર કરી શ્રી વૃષનંદ વિચિત્ર જનની મન આશ્ચર્ય થાય એની અકળ કળા ન કળાય જેની માયામાં દેવતા ડૂલે ભવ બ્રહ્મા જેવા પણ ભૂલે નર્તન ધરીને કૃપા નિધાન સુખદ ચરિત્ર કર્યા સુધા સમાન અગણિત ગુણ ગ્રંથમાં લખાયા ગુણ ગણ અક્ષરધામ માગવાયા ઇતિ શ્રી હરિલીલામૃતે દશમ
सब्सक्राइब कीजिए राजकोट गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।